नमस्कार, मैं हूं आर्यन आनंद और आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायोनियर न्यूज़ बिहार को। न्यूज़ बिहार लगातार आपको बिहार की राजनीति से जोड़ रहा है। ऐसे में 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो बात होती है लोकतंत्र की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके लोकतंत्र को जो मजबूत करता है वो है देश की आवाम। आवाम खुश हो तो देश खुशहाल होता है, लेकिन शायद बिहार के छपरा की आवाम आज के सरकार से नाराज़ है। सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष से भी नाराज़ है। वो लेखा जोखा गिनवाते हैं सत्ताधारी का, वो लेखा जोखा जुगाते हैं पूर्व में रहे सत्ता वालों का, लेकिन जब काम की बात आती है तो दोनों सरकारें विफल होती है। हमारे रिपोर्टर राजीव रंजन ने जब छपरा के एक जनता से बात की और उनके कष्ट को जानने की कोशिश की तो उन्होंने सबसे पहले दर्द दिखाया अपने पीछे लगे जल जमाव को। उन्होंने कहा कि सड़क को कोड़ा गया था एक निर्माण करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, लेकिन सड़क को कोड़ दिया गया और इसे कोई भी बनाने नहीं आया। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से एक पुल बना और उस पुल के बनने के बाद जल जमाव होने लगा। ये पानी तो आज 3-4 महीने से बहुत तरह डिस्टर्बेंस हो रही है, तो लोगों को इस पुल के नाली पुल बनने से बहुत तरह डिस्टर्बेंस, जो नाली जाम हो जा रही है, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। पहले से भी ये नल जल के चलते पूरे सड़क को बर्बाद कर दिया, इसका भी कोई व्यवस्था नहीं है। नल जल का पाइप लगाने में पूरे समझिए कि बनी सड़क को कोड़ दिया और कोड़ के फरार हो गया। यहाँ की जनता को ये परेशानी है कि सरकार बस योजनाएं भेज देती है, काम बहुत उसी तरह से ठेकेदार करते हैं जैसे लूटपाट मचा हुआ हो। इसलिए जनता यहाँ की किसी सरकार को वोट देने के लिए, बहिष्कार करने के लिए तैयार है और आने वाले दिन में सबको यही जनता की राय आपने सुनी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी तो दूर, अगर कोई भी यहाँ से खड़ा होगा वो चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष, वोट किसी को नहीं दिया जाएगा। आप और हम हर 5 साल पर चुनाव से गुजरते हैं। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, फिर आचार संहिता लागू हो जाता है और हर कोई वादा करना छोड़ देता है, लेकिन जो वादे हुए रहते हैं आचार संहिता से पहले वो कितने पूरे होते हैं ये सिर्फ कागज़ पर ही पता चलता है। कागज़ पर उसे 100 में 100 अंक दिया जाता है, लेकिन जब ज़मीनी तौर पर उसे देखा जाता है तो अंक 0 भी नहीं दिया जा सकता। जनता है, जनता सर्वपरे होती है लोकतंत्र में, लेकिन इस कैसा लोकतंत्र है ये भारत का जहाँ चुनाव के समय भी जनता का काम नहीं हो पाता। बरसात का दिन नहीं है फिर भी सड़क पर जल जमाव है। ये जल जमाव कोई बरसात के पानी का नहीं है बल्कि नाले का है। नाले के पानी से कई तरह की बीमारियां होती है, स्किन का डिजीज़ हो जाता है और उस स्किन के डिजीज़ से आप अगर रोज़ रूबरू हों जल जमाव के नाले वाले पानी से तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े बीमारी का संकेत दे जाती है। अब छपरा निवासी जिन्होंने बयान दिया है वो शायद भांप रहे हैं कि ये जो जल जमाव है आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा बन सकता है, कितनी बीमारियां दे सकता है। इसी पे उन्होंने कहा है कि यहाँ की जनता तैयार है और किसी को भी एक भी वोट नहीं देगी। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे बिहार के साथ भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।